बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीमोनियम आर्च के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम एंटीम आर्च भी बोलते हैं। तो ये एक लंग्स की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो अगर किसी के लंग्स में एल्वोलाई का जो इन्फ्लामेशन हो गई हो, उसकी वजह से उनको डिजनिया का इशू देखने में आ रहा हो, तो उसकी ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। इस वीडियो में बताऊंगा कि अब इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो मोड ऑफ एक्शन वो क्या है, इसके रिलेटेड हमें जिस्म के इस जो कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने में आते हैं, तो उसमें ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। मेडिसिन एंटम आर्च, जो कि एक अस्थमा की या जिसे हम कहते हैं डिजनिया की, बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो अगर किसी की लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसमें जो म्यूकस है उसकी फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई हो, और उसकी वजह से अगर किसी को अस्थमा का इशू आ रहा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गई हो, या अगर किसी के एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन हो गई हो, और अगर किसी के लंग्स की इम्यूनिटी जो है ना वो कमज़ोर हो गई हो, और उसकी वजह से अगर किसी को सांस लेने में मसला आ रहा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस शदीद किस्म की जो क्रोनिक कफ है वो हो रही हो, और उसमें जो म्यूकस है उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई हो, और उसकी वजह से उनका जो सांस है वो फूल रहा हो और डिजनिया का इशू देखने में आ रहा हो, यानी किसी को एम्फिजेमा हो गया हो, तो इस केस में ये मेडिसिन एंटीमोनियम आर्च जो है ना ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इस मेडिसिन के कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर आँखों में ये मेडिसिन जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंजनवाइटिस में जो है ना इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी अगर किसी पेशेंट की आँखों में रेडनेस का टाइप जो है ना वो पानी की जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, उसमें जलन की या इस तरह का सेंसेशन पेशेंट को देखने में आए, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनका जो फेस है वो पफी फेस हो, यानी जिनको फेस एडिमा ऑफ फेस कहते हैं, यानी कि जो फेस है वो उसमें स्वेलिंग देखने में आए, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे नीचे लंग्स हैं, ये लंग्स की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी को लंग्स की जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई हो, और उसकी वजह से जो म्यूकस है उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई हो, और उस म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आया, और उसके साथ साथ डिजनिया का इशू पेशेंट को देखने में आए, और साथ साथ जो इम्फाइसीमा है वो पेशेंट को हो गया हो, और जिन्हें जो पेशेंट के एल्वोलाई होते हैं हमारे फेफड़ों में, जहाँ पे जाके हवा जो है ना वो अकोमोडेट होती है, और उसके वहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में तबादला होता है, यानी अगर किसी को एल्वोलाई में जो है ना इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसके रिलेटेड अगर किसी को डिजनिया का इशू देखने में आए, और साथ उनका सांस फूले जब भी पेशेंट चलता हो, तो उनमें एक शदीद किस्म की जो म्यूकस है उसको जो है ना बाहर निकालने के लिए जो लंग्स की इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो गई हो, और उसमें एक रैटलिंग साउंड जो है ना वो हमारे चेस्ट पे देखने में पेशेंट को लग रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हम देखें तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, और उन स्मोकिंग की वजह से उनकी जो लंग्स है उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो वीक हो गई हो, और उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से म्यूकस की बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फॉर्मेशन हो रही हो, और उस फॉर्मेशन की वजह से जो लंग की इम्यूनिटी वीक हो गई है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो इजीली जो है ना वो म्यूकस बाहर नहीं निकाल सक रहा हो, जो पेशेंट जो ना वो म्यूकस बाहर जल्दी से निकाल नहीं सकता हो, और उसमें एक रैटलिंग साउंड जो है ना वो पेशेंट को देखने में है, और जब भी वो चलता हो तो उसको सांस जो है ना फूलता हो, तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जो COPD के डिजीज़ में मुबतला है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिनको हो जाता है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी जिनकी जो लंग्स है उसकी जो फाइब्रोसिस यानी उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है,
तो उसकी वजह से जो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक सफोकेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो उसकी वजह से पेशेंट जब भी चलता है तो वो डिज़निया का इशू देखने में आता है, साथ अस्थमा का जो इशू है वो होता है, और साथ जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल जो चिड़चिड़ापन पेशेंट में देखने में आता है। और जब भी आप उस पेशेंट को बुलाते हैं तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक ना गुस्सा पाया जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक हाइपर टेंडेंसी जो है ना वो पेशेंट रखता है। तो अगर किसी में इस तरह के साइनो सिम्टम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एंटीमोनियम आर्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये लंग्स की इम्यूनिटी को इन्हेंस करती है और जो बलगम है जिन्हें म्यूकस है उसको बाहर निकालने में मदद करती है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से क्योर करके पेशेंट को अस्थमा के केस में जो है ना वो सुकून देती है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की हो या सीओपीडी का इशू हो तो उसमें पेशेंट को जो है ना वो रिलीफ देती है। क्योंकि जो एल्वोलाई होते हैं उनमें जो एयर सैक होते हैं, और एयर सैक में जो हवा होती है उसको वो अच्छे तरीके से उनमें सकड़ाव जो है ना वो ख़त्म हो गया, उसमें सकड़ाव वो कम हो गया, जिसकी वजह से उनको जो सांस है वो उसमें इशू आ रही हो, और वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में जो तबादला होता है हमारे लंग्स में उनकी जो एक तबादला है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा हो, तो यानी जो एक जो हमारे सांस इनहेल ऑक्सीजन जो है ना इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसमें जो एक रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब तबादला होता है आपस में, उसमें जो है ना अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो रही हो तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये एयर सैक जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई के जो एयर सैक होते हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके उसमें ये इंक्रीज करती है कंस्ट्रक्शन करके हम इजीली जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले जा सकें, और उसको हमारे जो ब्लड है उसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वो हम उसके लेके बाहर छोड़ सकें। तो उसकी जो ये एल्वोलाई होता है उसके कंस्ट्रक्शन को ये इंक्रीज करती है, ताकि अगर किसी की एल्वोलाई में सोजिश हो गई हो तो उसको अच्छी तरीके से क्योर करती है। तो ये थी होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीमोनियम। अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीम आर्स को इसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से, अगर किसी को सीओपीडी का इशू है तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इस्थमा के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे डिजनिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्फिसीमा के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर किसी पेशेंट को जो इरिटेबल है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है, वो उसमें चिड़चिड़ापन देखने में आता है, और रेस्टलेस है वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना जब वो सोता है चलता है तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, और जब वो लेटता है वो पेशेंट थोड़ा सा अच्छा फील करता है, तो ऐसे पेशेंट जो है ना उनमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है एंटी मार्स। तो अब हम देखते हैं कि उस मेडिसिन को जो है ना कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। होम्योपैथी की मेडिसिन एंटम आर्स को इसे हम 30 CH पोटेंसी में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को जो हमारे ओल्ड जो है ना वो बुज़ुर्ग हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं यानी वो सिगरेट या हुक्का वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना 200 CH पोटेंसी में जो है ना सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करवानी है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना 6 CH पोटेंसी में जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन जो है ना एक रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करके पेशेंट को सांस इनहेल करने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुकून जो है ना फ्राहम करेगी। तो ये थी होम्योपैथी की मेडिसिन एंटी मार्स। हमें अमीर वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है उसकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं किया करें। ये जो वीडियो मैं इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाता हूँ, तो आप अगर कोई डिसीज़ है तो वो आप किसी अपने नज़दीक जो है ना होम्योपैथी कंसल्टेंट उससे रब्ता करके उसके जो गाइडेंस में जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल किया करें। आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ना वो बता सकते हैं। Thank you, Allah Hafiz.